आज आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट क्लास ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। अप्रॉक्सीमेटली दिस इज द थर्ड क्लास। ओके, आपने फर्स्ट वीडियोज और सेकंड वीडियोज बहुत अच्छे से देख लिया होगा। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपके सामने आ रहा होगा। किसका? एसिड बेस एंड सॉल्ट का। एसिड तो बिल्कुल क्लियर हो गया, आयंस भी आपने पढ़ लिया, अब बारी है सॉल्ट का। नहीं, अब बारी है बेस का। ठीक है, और आज जानेंगे पहचानेंगे कि ये बेस होता क्या है, बेस कैसे बनेगा, बेस की कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज है और कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज है, इंडिकेटर से कैसे पता करेंगे कि वो बेस है या एसिड। आज एक बहुत बड़ा चीज आपको पता चलेगा, क्या स्मेल करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। आप बोलोगे सर आपने तो टेस्ट करने के लिए बोला था, फिर मना कर दिया टेस्ट करने के लिए, फिर आपने बोला इंडिकेटर्स का यूज करेंगे जिसमें कलर चेंज होगा। आज आप तो तीसरी बात बोल रहे हो, टेस्ट भी ना करो, लिटमस पेपर भी ना यूज करो, कलर भी चेंज मत देखो, तो और क्या भाई? तो और यूज करेंगे, उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसमें क्या होता है, इंडिकेटर्स आर कौन सा इंडिकेटर्स? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना? चलो इसकी बात करते हैं हम लोग। इट इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स ऑर्डर। ऑर्डर मतलब स्मेल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसिस। भाई ऐसा इंडिकेटर जो अपना स्मेल चेंज कर लेता हो जब वो किसके कंटेक्ट में आता हो भाई, एसिड और बेस को, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बता दे भाई, एग्जाम्पल है कौन सा? ओनियंस, प्याज आपने देखा है ना? ठीक है, अब देख लो, अगर इसमें एसिड ऐड करते हो, क्या ऐड करते हो? एसिड, तो इसमें नो स्मेल चेंज। लेकिन अगर ओनियन में क्या डालते हो भाई? बेस, तो फिर जाके इसका स्मेल चेंज्ड। अगर स्मेल चेंज हो गया तो बेस है, और स्मेल अगर चेंज नहीं हुआ तो वो क्या है? एसिड है। अब तो आप स्मेल से पता कर सकते हो ना कि एसिड है कि बेस है कि नहीं? आपको क्या बता दिया हमने? एक नया इंडिकेटर्स भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं एक्चुअली आज का मेन टॉपिक, दैट इज द बेस। ठीक है, ये क्या हो गया? ये है केमिकल कंपाउंड हैविंग बीटा टेस्ट। अगर टेस्ट की बात करें तो इसका टेस्ट कैसा होगा? बीटर होगा। आपने पेस्ट यूज करा है ना, वो आपका बेस है। आपके यहाँ जो कपड़ा धोने वाला साबुन है ना, वो बेस है। सर्फ जो है वो बेस है। शैम्पू लगाते हो वो बेसिक है ना? ढेर सारा चीज, इनो खाते हो वो बेस है। समझ में आ रहा है ना? बस बेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ हमारे आसपास रहता है। पहला डिफिनेशन हमने बता दिया कि बेस क्या होता है, कैसा टेस्ट होता है इसका भाई? बीटर इन टेस्ट होता है। ठीक है, दूसरा बात करूं तो क्या कर देता है ये? बेसिस चेंज रेड लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है भाई? रेड लिटमस पेपर को किसमें बदल देता है? ब्लू में चेंज कर देता है। तो लिटमस पेपर का भी यूज करके आप पता कर सकते हो कि नहीं पता कर सकते? ठीक है, अगर केमिकली बात करें, उसके कंपाउंड की बात करें, तो क्या होता है?
बेसिस हैव रिप्लेसेबल ओ एच माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन, उसके पास कौन सा आयन होगा भाई, हाइड्रोक्सिल आयन होगा। कुछ एग्जाम्पल देख ले हम लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देख लो इनो जो खाते हो ना उसमें कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे खतरनाक होता है कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर याद कर लेना कि OH पे होता है माइनस वन, OH पे कितना चार्ज होता है माइनस वन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन पे चार्ज होगा नेगेटिव, और वो भी कितना वन, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया, बेस का। कॉपर हाइड्रोक्साइड, देखो सब में OH लगा हुआ है कि नहीं है, समझ में आ रही बात, जब बात निकली है तो बात बहुत दूर तक जाएगी, है ना। दूर तक जाने के लिए इसको पहले यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, तो आप फटाफट लिख लो, मैं क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है, लिख रहे हैं आप। अब बात कर लेते हैं कुछ इंडिकेटर्स का, लिस्ट हमने दे दिया, हो सकता है आप एसिड और बेस याद करने में आपको कन्फ्यूजन हो जाए, अलग अलग तो हमने लिस्ट बना दिया, आप लिस्ट बना के देख लो। सबसे पहले हमने बोला लिटमस पेपर, वो भी कौन सा, रेड, मैंने बताया या तो रेड रहेगा या तो ब्लू रहेगा। अगर रेड लिटमस पेपर एसिड में डालते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस में डालते हो तो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू में चेंज आ जाएगा। अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है एसिड में डालोगे तब तो उसका कलर चेंज होगा, लेकिन बेस में कोई कलर चेंज नहीं होगा। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज है ना, जब आप एसिड में डालोगे तो रेडिश हो जाएगा, लेकिन बेस में डालोगे तो ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। फेनॉल फेथिलीन खुद ही कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो ही आप उसे बेस डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब होम मेड है, घर पे बनाने वाला है। टर्मरिक हल्दी देखा होगा आपने, अगर एसिड डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन पूरा रेडिश हो जाएगा, क्या चीज़, जब उसमें आप बेस डालते हो। तो इसलिए आपने देखा होगा जब आप हल्दी पे ना सर्फ से साफ करते हो ना तो और ज़्यादा रेडिश हो जाता है, क्यों, समझ में आ रहा। चलो चाइना रोज, चाइना रोज क्या है, क्या चाइना से रोज आता है इसलिए चाइना रोज है, नहीं। अड़हुल का पौधा देखा आपने, अड़हुल का फूल देखा, वो है चाइना रोज, नाम बड़ी चाइनीज, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एसिड में पिंक ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। रेड कैबेज रेडी होता है गोभी की तरह, रेड कैबेज है ये, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू चेंज हो जाएगा। तो कलर चेंज याद रखना, फटाफट इसका लिस्ट तैयार कर लो, लिख लो, ठीक है, फटाफट लिखिए इसको। कुछ और प्रॉपर्टीज आपके सामने रखते हैं, बेस का पक्का याद कर लेना। सबसे पहला तो बता दिया कि बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर इन टेस्ट होता है, और रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, ये पता चल गया। बट याद रखना सभी बेसिस वाटर में डिजॉल्व नहीं करते हैं, सम बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, और जो सॉल्युबल इन वाटर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, यानी स्ट्रांग बेस बोलते हैं उसको, जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है, इसलिए उसका नाम अलग से लिख देते हैं, नॉर्मल बेस नहीं, बल्कि उसको बोलते हैं अल्कलीज, क्या बोलते हैं, अल्कलीज। तो अल्कलीज क्या हो गया, ऐसा बेस हो गया जो वाटर में डिजॉल्व होता है और बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है आपको, इसलिए उसको यूज करने से पहले केयरफुल रहना है, ठीक है, क्योंकि उसका तो अपना कोई कलर ही नहीं होता, बेस का अपना कोई कलर नहीं होता, इसलिए इंडिकेटर का यूज करके पता करना पड़ेगा टेस्ट, ठीक है। अब अगर आप पानी में मिलाते हो बेस को तो उसको टच करने से आपको साबुन की तरह लगेगा, सोपी टच होता है, कैसा टच होता है, सोपी टच, ठीक है। जो भी अल्कलीज होते हो बहुत ही क्रोसिव होते हैं, किसमें, स्किन में, आपके स्किन को बर्न कर सकता है, क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व हो सकता है, इसलिए वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। फटाफट इसको भी कॉपी में लिख लो, प्रॉपर्टीज मेमोराइज कर लेना। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर बेस प्रिपेयर कैसे करेंगे,
तैयार हैं तो फटाफट इसको कॉपी में लिखिए। अब टाइम आ गया है कि आपको बता दें कि बेस कैसे प्रिपेयर होता है, और आप भी तैयार है ये जानने के लिए कि बेस का प्रिपरेशन कैसे होगा, तो मैं बताऊंगा भाई। इंतजार किस बात का, अभी जानते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप जो होता है, मेटल्स आर हीटेड टू गेट मेटेलिक ऑक्साइड। एक बात बता दें, जनरली मेटल को हीट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेटल किस फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड के ही फॉर्म में है। जैसे नॉन मेटल को तो जलाना पड़ता है आग में हीट करके, लेकिन इसको जलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग लिखते हैं स्टेटमेंट कि मेटल हीटेड टू गेट द मेटेलिक ऑक्साइड, बट जनरली दे आर इन द फॉर्म ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, मेटल को हीट करना है, क्या लाने के लिए, मेटेलिक ऑक्साइड, और बाद में उसमें किस में डालना है, वाटर में डालना है। चलो देखते हैं, पहला स्टेप में हमने ढेर सारा मेटल लिया, हमने सोडियम लिया, हमने पोटाशियम लिया, हमने Mg लिया, हमने Zn लिया, है ना, हमने कैल्शियम लिया, हमने Cu लिया। इस सब को क्या करना है भाई, इस सब को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, करते फटाफट। अब हमने क्या किया, फटाफट सोडियम को बर्न किया तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। पोटाशियम को बर्न किया तो क्या बन गया, पोटाशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को बर्न किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Zn को बर्न किया तो क्या हो गया, Zn ऑक्साइड। कैल्शियम को बर्न किया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। Cu को बर्न किया तो क्या बन गया, CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। कैसे बना बता देते हैं, चलो ये बात जान लो, Mg पे होता है कितना, +2, और ऑक्सीजन पे होता है -2। इसका 2 इधर आ गया और इसका 2 इधर आ गया, और दोनों में सेम है इसलिए वो कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, MgO। अब देख लो, Na पे होता है +1, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो ये तो कैंसिल होगा नहीं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया, Na2O। ये इसके साथ आ गया और 1 के साथ आ गया। एक और बता देते हैं, Cu, ठीक है, OH पे -1, Cu पे +2। अब देखो ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Cu तो एक ही रहेगा, डालने की जरूरत नहीं, और यहाँ पे OH क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो तरीका मैंने बता दिया, कुछ याद रखना फटाफट, ऑक्सीजन पे होता है -2। अब देखते हैं वाटर में डिजॉल्व करने पर क्या बनेगा। अब उसको वाटर में डाल के देखते हैं, देखो हमने किसको डाला, सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड को डाला तो पोटासियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड को डाला तो जिंक हाइड्रोक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड को डाला तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, और एल्युमिनियम ऑक्साइड को डाला तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये रिएक्शन कैसे हुआ वो मैं बता दूँ, याद रखना भाई, एल्युमिनियम पे होता है +3 चार्ज, O पे होता है -2 चार्ज, ठीक है। अब 2 इसके पास आएगा, 3 इसके पास आएगा, तो क्या बन जाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया, बन गया बेस। ढेर सारा बेसिस आपके सामने हमने बना दिया, इसको खूब 2-3 बार बना के देखना, बट आयन याद रखना। अब आपके लिए लेके आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, अब लेके आए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ये है कि जो एल्कलीज होता है उसको अगर पानी में डालोगे तो क्या निकालेगा, वो OH माइनस आयन निकालेगा, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला तो OH निकला और Na प्लस निकला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डाला तो Mg +2 निकल गया और OH माइनस निकल गया। अब सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जब आप बेस को रिएक्ट करोगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा और वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इससे पहले भी हमने एसिड में बताया था, ठीक है। हमने थोड़ा अलग अलग एग्जांपल ले लिया कि आपको समझ में आ जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप HCl के साथ करते हैं तो NaCl और वाटर बन जाता है, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, आयरन नाइट्रेट और पोटाशियम फॉस्फेट, ये सब कंपाउंड बन गया ना। थर्ड प्रॉपर्टीज देख लीजिए, जो बेस होता है ना, मोस्ट ऑफ द बेसिस जब उसको गर्म करेंगे ना तो फिर भी मेटेलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, केवल 2 नहीं कन्वर्ट हो जाता है,
वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो पिघल जाएगा लेकिन रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द बेसिस क्या होता है, रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, फिर से मेटेलिक ऑक्साइड आ जाता है। याद रखना, एक ऐसा बेस है जिसके पास कोई मेटल नहीं है। याद रखना, बेसिस विदाउट मेटल या कौन सा है, NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। भाई ये ऐसा बेस है जिसमें कोई मेटल ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है, याद रखना, बहुत खतरनाक है ये, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसमें कोई मेटल ही नहीं है, जबकि बेस बिना मेटल का बन ही नहीं सकता, है ना, खतरनाक। याद रखने लायक चीज़ है कि नहीं, याद रखोगे पक्का। और प्रॉपर्टीज पढ़ना, एक और प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं आपको, फटाफट इसको लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फटाफट पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फटाफट। बेस को जब रिएक्ट कराओगे किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा वो, फिर से साल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा। देख लो, NaOH को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बना लिया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड से तो बना लेगा पोटाशियम सल्फाइड, और वाटर रिलीज कर दिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोटाशियम सल्फाइट। याद रखना, सल्फेट नहीं, सल्फाइट, क्योंकि थ्री एटम्स इसमें, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, याद रहेगा प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखते हैं सम यूजेज ऑफ बेस, फटाफट इसको लिख लो। अब कुछ यूज देख लेते हैं, फटाफट तैयार हो जाइए। पहला यूज है, बेस को हम लोग ज्यादातर, हमारे पास जितने भी सोप होते हैं ना, बेस का यूज करके बनता है, उस बेस में क्या मिला दिया जाता है, एनिमल या प्लांट फैट को मिला देते हैं, एनिमल या प्लांट फैट को मिला देते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब हमको सोप बनता है। और ग्लिसरोल, ग्लिसरोल समझते हैं, वो जो आयली आयली सब्सटेंस जो होता है साबुन के अंदर, वो ग्लिसरोल है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने बताया है यहाँ पे, C15 है ना, H30 COONA, ये किसका एग्जांपल है, ये सोप का एग्जांपल। अब देख लो भाई, C15H31, इसको सही से लिख लो याद, और भी बड़ा बड़ा होता है, H31COONA, यहाँ पे सोडियम के मॉलिक्यूल्स है, याद रखना, ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, ये वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है, किसके आसपास, डर्ट के आसपास, और आयनिक आयनिक, नेगेटिव से नेगेटिव टकराता है, जितना भी गंदगी होता है वो सब बाहर निकल जाता है। सीरियल क्लासेस में फिर से हम लोग पढ़ेंगे, क्लास टेंथ में आएंगे तो मुलाकात होगी, तो पढ़ेंगे सोप का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सोप काम कैसे करता है, ठीक है। अभी मैं बता दूँ कुछ और आपके आसपास बेस, NaOH, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, ज़्यादातर साबुन जो बना होता है ना वो कॉस्टिक सोडा का ही बना होता है, वैसे इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है, पेपर के इंडस्ट्री में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप बनाने में भी और बैटरी में भी यूज होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है मोर्टार बनाने के लिए, प्लास्टर, आपने POP देखा है, प्लास्टर होते हुए जो देखा होगा घर में दीवार पे, NH4OH, ये नाइट्रिक एसिड बनाने में और फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है, अमोनिया चाहिए ना पेड़ पौधा को, क्योंकि उसको अमोनिया से नाइट्रोजन मिलता है, इसलिए फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। और आगे बात इनो का, पिछले वीडियोस में हमने वादा किया था कि बताऊंगा जो इनो खाते हैं उस इनो में क्या है, उस इनो में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, अगर आपके बॉडी में एसिडिटी हो गया, बॉडी में एसिडिटी का मतलब, स्टॉमिक में एसिडिटी का मतलब आपके स्टॉमिक में HCl ज़्यादा निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको क्या करता है, ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है और आपका जो एसिडिटी वो ख़त्म हो जाता है। तो इनो के अंदर क्या होता है, MgOH3 और एंटा एसिड, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिड के प्रॉपर्टीज को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए बोलते हैं एंटा
इसी कुछ एग्जांपल शॉर्टकट में हमने बता दिया। यहाँ पे जो विंडो क्लीनर होता है, मम्मी को देखा होगा आपने विंडो को क्लीन करते हुए, है ना, उसमें क्या मिला रहता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो याद रखेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में और देखेंगे सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे होगा, सॉल्ट का प्रॉपर्टीज क्या है, और हमारे लिए कुछ यूजफुल चीज़ सॉल्ट का यूज़ देखेंगे कि पापा जब दाढ़ी बनाते हैं तो दाढ़ी पे क्या लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में टिल देन, अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का कर लो कि इससे फैमिली बड़ी निकल सके, हमारी फैमिली बड़ी हो जाए। शेयर तो पक्का करो भाई, दूसरे बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि आपने क्या पढ़ लिया है। बेस का टॉपिक हो गया कंप्लीट, अगली वीडियो में लेके आएंगे सॉल्ट और कुछ यूजेज, कुछ यूनिक बातें जो अभी तक आपको पता नहीं चला है वो भी पता चलेगा कि भैया अगर आपको चींटी काट ले तो क्या करोगे। चींटी तो छोड़ो, अगर मक्खी काटे तो क्या करोगे, नहीं मक्खी वो मधुमक्खी क्या यूज करेंगे। मिलते हैं तो बताते हैं, थैंक यू, टिल देन गुड बाय।